अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद रूमा खान। आज मैं आप लोगों के सामने पिज़्ज़े की रोटी बनाने की रेसिपी ले आई हूँ। पिज़्ज़ा बेस बहुत ही आसान तरीके से हम अपने घर में बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1/2 कप या 1/2 कटोरी मैदा लिया है। उसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड किया है और 1 1/2 टेबल स्पून शक्कर है पिसी हुई है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे के साथ। अच्छे से मिलाने के बाद फिर मैं यहाँ पे 1 कप दही ऐड करेंगे। दही हमारा सादा दही है, खट्टा नहीं है, सादे दही का ही यूज़ करें। फिर इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। अब मैं इसमें दही के साथ ही मैदे को गूंद लूँगी। पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा पानी बाद में ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एकदम सॉफ्ट और नरम डो बनाएंगे। थोड़ा स्टिकी लगता है पर हमें ऐसे ही चाहिए। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं 1/2 घंटे के लिए इसको रख दूँगी। 1/2 घंटे के बाद हम देखते हैं तो हमारा डो थोड़ा सा फूल गया है। बहुत अच्छा डो हमारा तैयार हुआ, एकदम सॉफ्ट एकदम नरम। फिर मैं इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी क्योंकि हमें पिज़्ज़े की रोटी ज़्यादा पतली नहीं बनाना है। जिस तरह मार्केट में हम लाते हैं उसी तरह का हमें पिज़्ज़ा बेस तैयार करना है। थोड़ा अंदर की तरफ से उसको दबाएंगे, फिर सूखा आटा ऐड थोड़ा सा लगाऊंगी और मैं इसे बेलूंगी। थोड़ा ध्यान रहे मैं बहुत ही हल्के हाथों से इसे बेलना है और मोटा ही बेलना है। इसे बेल लिया है। अब इसका शेप हमें एकदम गोल शेप देने के लिए मैं एक ढक्कन की मदद से इसको कट करूँगी। आपके पास जो भी है, जो भी चीज़ गोल शेप में है, आप उसे कट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा एकदम मार्केट के जैसा पिज़्ज़ा बेस रेडी है। अब मैं इसे फॉर्क की मदद से इसमें होल करूँगी ताकि हमारी रोटी फूले नहीं। अब यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में बटर पेपर रख दिया है और उसे थोड़ा सा गर्म होने दिया है और लो फ्लेम पे ही हमें इसे पकाना है। इसे ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए। फिर मैं यहाँ दूसरी रोटी भी बेल लूँगी और इसे भी फॉर्क की मदद से मैं यहाँ होल कर लूँगी। मैंने यहाँ पे रोटी को कट नहीं किया है क्योंकि शेप बेलने से ही अच्छा आ गया था, कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं रोटी यहाँ पे चेक करते हैं। थोड़ी देर में 1-2 मिनट के लिए और इसे ढक के पकाऊंगी। अब मैं इसे पलटी करूँगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है और इतनी अच्छी हमारी रोटी पक के 1 साइड तैयार है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह पका लेंगे। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा बेस रेडी हो गया है। इसी तरह मैं दूसरा भी रेडी कर लूँगी। ये देखिए हमारे पिज़्ज़ा बेस रेडी हो गए हैं। 2 हमारे एकदम मीडियम साइज़ के बने हैं और 1 थोड़ा स्मॉल साइज़ का बना है। 3 इतने आटे में 3 तैयार हुए हैं। आप इसे 2-3 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको पिज़्ज़ा रेडी करके दिखाती हूँ। पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगी। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप उसे यूज़ कर सकते हैं।
प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं, मोज़रेला भी डाल सकते हैं। फिर इसके ऊपर मैं कुछ वेजिटेबल ऐड करूँगी, जो भी मेरे पास है मैं उसे ऐड कर दूँगी। शिमला मिर्च है थोड़ा बारीक कटी हुई, उसे ऐड कर देंगे। बारीक कटा हुआ प्याज है उसे ऐड कर देंगे। और टमाटर है बारीक कटे हुए, उसे भी ऐड कर देंगे। आपके पास जो भी सब्ज़ी है आप उसे ऐड कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर थोड़ी चीज़ ऐड कर दूंगी। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा ओरिगेनो ऐड करेंगे। और फिर मैं उसी फ्राई पैन में इसे 2 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे ही रख दूँगी। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, वेज पिज़्ज़ा है। ये देखिए हमारा घर पे बनने वाला पिज़्ज़ा बेस और पिज़्ज़ा। अब इसे मैं कट करके भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इतना अच्छा हमारा पिज़्ज़ा रेडी हुआ है, एकदम बाज़ार के जैसा। आप घर में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बाजू में बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।